नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ, दुबई का जो गोल्डन वीजा है, गोल्डन चांस बोल सकते हैं, गोल्डन वीजा एकदम गोल्ड कलर का आता है, सोने जैसा वीजा, उससे रिलेटेड बात करेंगे। सोने जैसा गोल्ड वीजा, गोल्डन वीजा इसलिए बोला जाता है कि भाई एक बार वीजा ले लो 10 साल तक बल्ले बल्ले भाई, 10 साल तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे कि वीज़ा डॉक्यूमेंट अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सरकार ने स्टार्ट कर दिए हैं, कितने आपकी फ़ीस लगेगी, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, आप कैसे इसमें डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई आप इस गोल्डन वीज़ा के लायक हैं या नहीं है, वीज़ा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें यूएई सरकार की जो दुबई सरकार की स्ट्रेटजी है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि यूएई सरकार दुबई का प्लान क्या है, बैंकर तरीके से प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए भाई दुबई ऐसे ही नहीं है, दुबई में ऐसे ही 200 कंट्रीज़ के पीपल्स लोग नहीं रहते, ऐसे नहीं रहते हैं, उसमें कुछ अलग है, कुछ खासियत है। डिटेल से हम इस पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको वीएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात बता दूं भाई, वीएई सरकार दुबई वीएई को तो छोड़ दीजिए, दुबई की हम बात करें तो दुबई सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसको आईसीए बोल सकते हैं। जी हाँ, आईसीए एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप अपने गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड नॉमिनेशन सर्विस शुरू कर दी है उन्होंने। नॉमिनेशन सर्विस आप क्या बता सकते हैं इसको, अगर दूसरी भाषा में बोले तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, आप डिटेल से अगर बात करें तो वहाँ पे पूरे आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं उस एप्लीकेशन को आप आईसीए एप्लीकेशन को जैसे ओपन करोगे वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछताछ करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट आपको ऑनलाइन करने होते हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन कर दिया, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट होने चाहिए। अगर आपने कुछ जानकारी जैसे उसमें अधूरी भर दी तो उसमें आपको 30 दिनों के अंदर वो कैंसिल हो सकता है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फीस रखी गई है। दुबई सरकार का एक अलग फार्मूला उन्होंने बनाया है कि वीएई सरकार ने पिछली बार आपको बताया भाई जो दुबई के शासक हैं, वीएई के तो उप प्रधानमंत्री हैं, देख लीजिए भाई एक आदमी के पास कितने पद हैं, देख ली पूरी वीएई के तो हैं उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जी हाँ ये उनका पूरा नाम है भाई, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो इन्होंने 1 लाख गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की है सभी देशों के लिए, और दुबई में बता दूं लगभग 200 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं। जी हाँ, समझ गए बात को, तो 1 लाख की तो उन्होंने घोषणा की है, हो सकता है इसको आगे प्रोसेस बढ़ा दिया जाए। इनका टारगेट क्या है कि भाई ये जो बहुत सारे कैटेगरीज हैं वो हमारे देश में आएंगे तो हमारा देश में कुछ अलग से देखने को और उनका विकास होगा। जी हाँ, तो वीएई सरकार ने एक अलग फार्मूला निकाल लिया कि भाई 1 लाख सीधे हम 1 लाख लोगों को वीज़ा तो देंगे, लेकिन ये प्रक्रिया कौन सी अपनाती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने स्टेट के हैं, जैसे मैं राजस्थान का हूं तो हमारे यहां क्या होता है, जो राजस्थानी लोग देख रहे हैं कि जैसे भर्ती निकाल दी टीचरों की, कितने टीचरों की भर्ती तो है 10,000 लोगों की, लेकिन वहाँ पर फॉर्म कितने भरे जाएंगे, 10 लाख 100% 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 10,000 लोगों की भर्ती है लेकिन फॉर्म कितने ज़्यादा भरे जाएंगे, 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। सेम कंडीशन वीएई सरकार ने आपके सामने रखी है, 1 लाख लोगों को इनका वीज़ा देने का टारगेट है, लेकिन इन्होंने एक आईसी एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो और ये आपको 10 से 15 दिन में जो भी इनका टाइम होगा ये आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में आपके मोबाइल पे रिजल्ट देंगे ईमेल से या टेक्स्ट मैसेज से कि भाई आप इस वीज़ा के लिए इजिलिबल हो, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। जी हाँ, इसके लिए इन्होंने 50 दराम फीस रखी है। जी इंडियन करेंसी की बात करें तो 1,000 रुपये आपका लगेगा, सिर्फ ये बात पूछने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए कि भाई आप गोल्डन वीज़ा के लायक हैं या नहीं हैं। जी हाँ, अब आप यहाँ पर बात समझिए, अब बता दूं इसमें कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी देख लीजिए आप भाई, ये तो नहीं है कि सब लोगों को ये वीज़ा मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। जैसे पीएचडी जिन्होंने की है, डॉक्टरीज में अलग अलग पीएचडी होती है सभी सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट में जिन्होंने पीएचडी की है वो ये लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर्स लोग हैं वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर हैं, जी हाँ वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं, कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह होते हैं हाई प्रोसेस वाले, ये नहीं कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है उनको नहीं मिलने वाला वीज़ा, ये तो आजकल सबको आता है। इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जिन्होंने डिप्लोमा जो डिग्री किए हैं उन्होंने ये
आईआईटी में जिन्होंने जिनके पास डिप्लोमा है उनको ये वीज़ा मिल सकता है। जैव प्रौद्योगिक यानी साइंटिस्ट से रिलेटेड, वैज्ञानिक से रिलेटेड ये लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और बात बता दूं भाई, करोड़पति लोग हैं, निवेश है करोड़ों में, वो भी वीज़ा ले सकते हैं। बिजनेसमैन है वो भी, उनको भी वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास ये वीज़ा लेने के लिए मोटा पैसा है। करोड़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो आराम से आपको ये वीज़ा मिल सकता है। जी हाँ, तो ये प्रोसेस, ये लोग वीज़ा ले सकते हैं। अब देखिए इसमें दुबई सरकार कितना पैसा कमाने वाली है, इस पर अगर बात करें तो बता दूं 200 लोगों के लोग यहाँ दुबई में रहते हैं, 1,00,000 लोगों को फिलहाल ये वीज़ा दिए जाएंगे। इसके लिए आईसी अप्रूवल अप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। एक कैंडिडेट से इंडियन करेंसी में 1,000 और वहाँ की करेंसी में 50 दराम लिए जाएंगे। अब आप एग्जांपल सोचे, मैंने राजस्थान वाला एग्जांपल दिया कि भाई 10,000 की भर्ती में राजस्थान में 1,00,000 लड़के फॉर्म भरते हैं। अगर एक सरकार एक बच्चे से 500 रुपये लेती है तो 1,00,000 लोगों से कितने पैसे हो गए भाई, सोचने की बात है ना। 5 करोड़ रुपये बनते हैं सीधे सीधे। तो ये पैसा इसी तरह से यूएई सरकार का कमाने का सीधा सीधा टारगेट है। एग्जाम्पल के तौर पे 1,00,000 वीज़ा के पीछे कितने लोग आवेदन कर सकते हैं, अंदाज बताइए आप 1,00,000 के लिए। कि भाई 10,000 फॉर्म के लिए आप समझ सकते हैं कि जब 10,00,000 जा सकते हैं तो 1,00,000 फॉर्म के लिए क्या 1 करोड़ लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर छोड़ दो उनकी इतनी लंबी गणित तो बहुत, चलो ज़्यादा हो जाती है, ऐसे लगता है यार ज़्यादा हो गए, नहीं इतना नहीं हो सकता। 1,00,000 लोग तो अप्लाई करेंगे 1,00,000 वीज़ा के लिए, 1,00,000 लोग तो, 1,00,000 जो लोग हैं अलग अलग देशों के वो तो लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो 1,00,000 लोगों को 1,000 से आप गणित लगा लो भाई कितना पैसा बनता है, करोड़ों रुपए छापेगी दुबई सरकार। जी हाँ, वीज़ा तो देगी बाद में, वीज़ा का पैसा अलग, वो अलग प्रोसेस है। ये तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके बताने में कि 1 करोड़ रुपये वी सरकार छापने वाली है। यहाँ 500 रुपये देते हुए लोगों को दिक्कत होती है भाई। सरकारें जब पैसा डॉक्यूमेंट चेक करने के लेती है तो हमें कहाँ दिक्कत होती है आपको पैसे देने में। एक हालांकि ये बात यहाँ पे ऐड नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये सच्चाई है, समझ गए बात को। तो ये लोग है भाई, देखिए इसमें सरकार को दो बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट क्या है, कमाई हो जाएगी करोड़ों में, ठीक है जी। दूसरी इनकम क्या है कि क्रीम लोग, अब हमारे देश में जैसे इन जो मैंने डिग्री बताई है, इन ये लोग अगर दुबई में जाते हैं उनको वीज़ा मिलेगा तो क्रीम चली गई ना, वो दूध में से मक्खन निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, पीछे क्या बच जाती है, छाछ, वही बस्ती है ना। तो सेम कंडीशन है, यूएई सरकार का टारगेट है, दुबई सरकार का खास तौर से आने वाले भाई 2030 तक देखना आप, ये अमेरिका फेमेरिका ये इंग्लैंड फिंग्लैंड पीछे चले जाएंगे, ये सच्चाई है। जी हाँ, क्योंकि ये इनका एक टारगेट है बहुत लंबा, ये 10 से 15 साल एडवांस सोच के चलते हैं। और इसीलिए भाई दुबई ने आज तक वो लोग चीज़ कारनामे किए हैं जो जिसने किसी ने नहीं किए, फर्स्ट पोजीशन पे रहता है हमेशा भी, और उनका टारगेट इसी में है। क्योंकि ये जो अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर लोग दुबई में जाएंगे, 1,00,000 पॉपुलेशन कम नहीं होती भाई, तो संभव सी बात है विकास बढ़ेगा। जे मान लो डॉक्टर्स चले गए तो एकदम, जैसे गल्फ देशों में डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो अब इंडिया में जैसे लोग विदेशों से इलाज कराने आते हैं ना, जैसे वहाँ पर भी ये एक कमाई का जरिया भाई, हर चीज़ में कमाई का जरिया है। क्योंकि इन ये जो सिस्टम बढ़ेगा बिजनेस से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो एक तरह से ग्रोथ होता है देश का, ग्रोथ होता है, जीडीपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है तो भाई फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, विदेशी लोग आते हैं, व्यापार होता है, एकदम इस तरह से बूम होता है कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ, पता चले आज इंडिया का 1 का 20 रुपये बन रहा है तो आगे करेंसी पता नहीं कितनी हाई हो जाए, ये एक कुछ कह नहीं सकते भाई, इसका स्थिति है। तो दुबई सरकार की आने वाली सोच ये है। अब इतना ही आपको लोगों को बताना था भाई, गोल्डन वीज़ा में अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पता लगा सकते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बदले आपको 1,000 फीस दीजिए, 50 दराम आपको फीस देनी होगी ऑनलाइन, जो आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है उससे कट जाएगी। और आपके 15-20 दिन के बाद में आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है, ईमेल भी आ सकता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। हैं तो आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो वो मैटर ख़त्म हो गया। तो ये आपको मैंने पूरी बात बता दी वीज़ा से रिलेटेड, गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय